वैक्सीनेशन को दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सियासत थोड़ी सी गर्मा गई है। निजी हॉस्पिटल में शुल्क देकर वैक्सीन लगवाने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक ओर जहां बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले को सराहनीय करार दिया है और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, तो वही दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया के दबाव और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अंत में नरेंद्र मोदी ने हार मानकर वैक्सीन फ्री करने की घोषणा की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मोदी जी का जो ये डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है, उन्होंने जो ये वोट किया है बहुत ही अच्छा है, पर इसका लाभ अपने छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकार ने पहले ही यह चीज को फ्री कर दिया है। फिर भी देने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? यह डिसीजन बहुत अच्छा है उनका। और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पेमेंट देके भी लग रही वैक्सीन, ये निर्णय भी आए, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये बोलना चाहूंगा सर कि जो सक्षम व्यक्ति है वो तो ये इंजेक्शन खरीद के भी लगा सकता है, बाकी ये भी अच्छा ही है। और जिसको भीड़ भाड़ भी, उससे क्या है सरकारी, उसमें भीड़ भाड़ भी कम होगी और बढ़िया भी होगा, सब वैक्सीनेशन अच्छे से होगी। कांग्रेस इस मामले में शुरू दिन से, जिस दिन से वैक्सीन बने हैं उस दिन से राजनीति करती आ रही है। पहले उन्होंने वैक्सीनेशन के प्रभाव पर उसकी इस पर प्रश्न उठाए कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, और उसके बाद प्रदेश में आया तो प्रदेश के मंत्रियों द्वारा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी उसमें क्वेश्चन उठाया गया, उसे नटा गया कि हम नहीं लगाएंगे। तो कांग्रेस शुरू दिन से इसमें राजनीति कर रही है, जबकि पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का सबसे अच्छा कार्य पूरे देश में हो रहा है, और इसके लिए भी मैं माननीय मोदी को धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ा विडंबना का विषय रहा कि एक 45 वर्ग से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, 18 से 45 को वैक्सीनेशन पेमेंट में राज्य सरकार करेंगी, और जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब केंद्र की सरकार इस बात के लिए जागी है कि आप हम फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में चलाएंगे। लगातार पार्टियों के और मीडिया के दबाव में मोदी की सरकार ने ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय सराहनीय भी है, और ऐसा निर्णय पहले से